ए बाहर निकलो। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ताजा मामला जबलपुर से सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुताबिक नर्मदा के घाटों पर समुदाय विशेष की दस्तक पर अब डंडे लहराए जा रहे हैं। दरअसल जबलपुर के जिलहरी घाट पर गर्मी के दिनों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग तैराकी सीखने और स्नान करने पहुंचते हैं। हिंदूवादी संगठन के कुछ लोगों का आरोप है कि पुण्य सलीला माँ नर्मदा के इस पावन तट को समुदाय विशेष के लोगों ने अयाशी का अड्डा बना दिया है। यहाँ तैराकी सीखने नहाने वाली लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी होती है। तैराकी सीखने के दौरान एक खास समुदाय के युवक जमा हो जाते हैं, कई तो शराब के नशे में रहते हैं। हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि यह सब एक साजिश के तहत हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हिंदूवादी संगठन के सदस्य खुद ऐसे तत्वों को खदेड़ रहे हैं। सरकार से मांग भी की गई है कि हिंदुओं के पवित्र नदियों घाटों पर ऐसे लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। ये जो जिलहरी घाट को लेकर अभी जो वीडियो वायरल हुआ है हाल ही में, उस पर आप अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? जिलहरी घाट को लेकर अभी जो वीडियो वायरल हुआ है वह बिल्कुल सत्य घटना है। अभी गर्मी का समय चल रहा है, माँ नर्मदा जी को हिंदू एक पवित्र नदी मानते हैं और उसे उसकी पूजा करते हैं, और जिलहरी घाट में माँ नर्मदा जी बहती हैं। अभी गर्मी के दिनों में सैकड़ों की संख्या में हिंदू परिवार वहाँ पे स्नान करने के लिए सुबह शाम जाता है, लेकिन अभी अभी इन दिनों देखने में आ रहा है कि सैकड़ों की संख्या में मदार टेकरी से, नए मोहल्ले से और अनेकों मुस्लिम जगहों से मुस्लिम युवक इकट्ठे होकर वहाँ पे आते हैं, और हमारी हिंदू माताएं बहनें जो स्नान करती रहती हैं उन पर अश्लील फप्पियाँ कसना, उनको छिड़कानी करना और वहाँ पर जो है जो गंदगी फैलाने का प्रयास करते हैं। कहीं जूते पहन के नर्मदा जी में उतर जाते हैं। अभी वीडियो में देखा हुआ कि जूते पहन कर नर्मदा नदी, जो हमारी हिंदुओं की तीर्थ नदी है, पवित्र नदी है, और हिंदू इसमें इसको जो है एक पवित्र नदी मानते, कुवाड़ी नदी मानते हैं, और उसमें पैर तक रखने के पहले इसकी पूजा करते हैं। वहाँ पर एक जूते पहन के उतर रहे हैं और उसको आप पवित्र कर रहे हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सहन शक्ति के बाहर है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और साथ ही मैं राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिलहरी घाट एक जो नर्मदा जी के जितने भी तट है यहाँ पर जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। सिर्फ हिंदुओं, ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, माँ नर्मदा हिंदुओं के लिए पूजनीय है, और इसके साथ इसकी पवित्रता को, घाटों की पवित्रता को नष्ट करेगा विधर्मी, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय श्री राम। बताते चले कि पवित्र नर्मदा का मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उद्गम होता है। बहुत ही छोटी जलधारा के रूप में निकली नर्मदा जबलपुर जैसे कई शहरों समेत गुजरात तक प्यास बुझाती है। अपने आंचल में बसे शहर के लोगों से नर्मदा ने कभी भेदभाव नहीं किया। यह पहला मौका है जब नर्मदा जैसी नदी को एक नए रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठता है कि नर्मदा घाटों पर समुदाय विशेष के प्रतिबंध की मांग कर रहे हिंदूवादी संगठन के लोग नर्मदा के पानी उपयोग पर भी क्या एतराज जताएंगे? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।